हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है बिंज क्रेविंग्स। आज के वीडियो में मेरी अभी तक की सभी रेसिपी शामिल हैं। आपको जो भी रेसिपी देखनी है उसकी टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, जिसे बनाने में हमें लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। और इस केक को बनाने के लिए हमें ना तो किसी ओवन की ज़रूरत है और ना ही हमें गैस की ज़रूरत पड़ेगी। ये है हमारा स्पेशल नो बेक केक। आज की रेसिपी इतनी आसान है कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी सुपर अमेजिंग है। तो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। नो बेक चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने पार्ले जी के 25 बिस्किट्स लिए हैं। साथ ही हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच पिसी हुई शुगर, थोड़े से वॉलनट्स हमने क्रश करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो वॉलनट्स अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपने पसंद की और भी मेवा ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच कोकोआ पाउडर, और अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह मेल्ट करी हुई चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं या फिर बॉर्नविटा या माइलो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए तकरीबन 150 ग्राम बटर। मैंने यहाँ अमूल का मेल्टेड बटर रखा हुआ है, आप चाहें तो वाइट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केक में हल्का सा जो सॉल्ट का फ्लेवर आता है इस बटर का, वो बहुत अच्छा लगता है। इस केक को बनाते वक्त हमारे बटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए, अदरवाइज हमारा केक सही से सेट नहीं होगा। तो इस तरह से केवल 5 चीज़ों की मदद से आप अपने केक को बना सकते हैं। आप चाहें तो इस केक में वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिस्किट्स को एक प्लास्टिक बैग में डालकर क्रश करेंगे। आप इन बिस्किट्स को किसी ब्लेंडर में ना पीसें, बिकॉज मिक्सी में ये बहुत ज़्यादा बारीक पिस जाएंगे और हमें इतना बारीक पाउडर इसका नहीं चाहिए। मैं इस केक में रम ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1 चम्मच रम ऐड कर सकते हैं, ये इस केक को बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देगा। ये देखिए, हमने अपने बिस्किट्स को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इस क्रश्ड बिस्किट्स को एक बड़े बोल में शिफ्ट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर जब हमारा मिक्सचर सारा बनके तैयार हो जाएगा उस पॉइंट पर आप इसे थोड़ा चख के देख लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ शुगर कम लगे तो आप ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। मैंने यहाँ पर अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ किया है, अगर आपका कोको पाउडर मीठा है तो आप अपने शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। और अब बारी आती है हमारे वॉलनट्स की। इसमें मैंने 1/2 कप वॉलनट्स ऐड किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर को। मैं कुछ बूंदे वेनिला एसेंस की भी ऐड करूंगी। अगर आपके पास में वेनिला एसेंस नहीं है तो भी कोई फिक्र करने की बात नहीं है, आपका केक फिर भी बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में नहीं मिल रही हैं, तो मैं आपको इसलिए हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव्स बता रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। जैसे जैसे हम बटर को इस पूरे मिक्सचर में मिलाएंगे तो हमारा ये जो मिक्सचर है एक डो की तरह तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट डन है। कोको पाउडर की वजह से इसका कलर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। यकीन मानिए, आपकी पूरी फैमिली इस केक को एंजॉय करेगी। अब हम इस मिक्सचर को एक मोल्ड में शिफ्ट करेंगे, और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप मेरी तरह एक स्टील के बर्तन में इसे शिफ्ट कर सकते हैं। एंड अगेन, लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैंने प्लेन वाइट पेपर पर ग्रीसिंग कर ली है, जिससे मेरा केक आसानी से बाहर निकल आए। तो अगर आपके पास भी बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से पेपर को ग्रीस करके अपने कंटेनर में रख सकते हैं। और अब हम इस मिक्सचर को अपने कंटेनर में धीरे धीरे सेट करेंगे। जब आप इस मिक्सचर को कंटेनर में डालें तो स्पून की हेल्प से इसे प्रेस करते जाएं, या फिर अपनी फिंगर्स से इसे अच्छे से प्रेस कर दें। स्पून से मैंने इसे प्रेस कर दिया है, अब मैं इसे अच्छे से फिंगर से प्रेस करूंगी ताकि ये पूरे किनारों तक मिक्सचर पहुँच जाए और हमारा केक बिल्कुल राउंड शेप में तैयार हो। केक की अच्छी सेटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से प्रेस करें। एंड डोंट वरी, दबाने की वजह से आपका केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने वॉलनट्स डाले हुए हैं, इस वजह से इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है।
और ये देखिए हमारा केक ऑलमोस्ट डन है। अब हम इस कंटेनर को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे या फिर एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे इसमें मौजूद बटर हमारे केक को अच्छे से सेट कर देगा। आप इस केक को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो फाइनली हमारा केक अब फ्रिज में जाने के लिए रेडी है। ये देखिए फ्रिज में रखने के बाद में हमारा केक सेट हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इससे पेपर को अलग करेंगे। ग्रीस्ड होने की वजह से पेपर भी बहुत आसानी से इससे अलग हो जाएगा। और ये देखिए हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है। और अब बारी आती है अपने केक को डेकोरेट करने की। मैं यहाँ डेरी मिल्क से ही अपने केक को डेकोरेट करूँगी। आप कद्दूकस की मदद से डेरी मिल्क के फ्लेक्स उतार सकते हैं। आप कद्दूकस को डायरेक्ट केक के ऊपर ही रखिए, क्योंकि फ्लेक्स अगर आप हाथ से उठाएंगे एक तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और मे बी आपके हाथ की हीट से वो थोड़ा मेल्ट होने लगें। चॉकलेट के साथ साथ आप ग्रेटेड आलमंड से भी अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। आप इस केक को 8 से 10 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और आज की हमारी रेसिपी है मैंगो श्रीखंड। इस रेसिपी को बनाना बेहद आसान है, साथ ही ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये डिश ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के घरों में बनाई जाती है और गर्मियों में तो खासकर ठंडा ठंडा श्रीखंड खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। श्रीखंड दही से बनाया जाता है, इसलिए श्रीखंड बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी का दही हो, यानी फुल फैट मिल्क का दही हो। यहाँ मेरे पास 1 लीटर दूध का दही है। अब सबसे पहले हम दही में मौजूद इसके पानी को इससे अलग करेंगे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दही को रई से ना मथें। हमें इस तरह से दही के मोटे मोटे चंक्स उठाकर स्ट्रेनर में रखना है। आप चाहें तो स्ट्रेनर की जगह मसलिन क्लॉथ या फिर एक कोई भी कॉटन का साफ रुमाल भी ले सकते हैं, बट मुझे स्ट्रेनर में स्ट्रेन करना ज़्यादा ईजी लगता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप दही स्ट्रेनर में रख सकते हैं। अगर आपका दही एक बार में स्ट्रेनर में ना आए तो आप 10 से 15 मिनट तक रुकें। धीरे धीरे इसमें से पानी निकल जाएगा तो स्ट्रेनर में अपने आप जगह बन जाएगी, तब आप अपना बचा हुआ दही इसके ऊपर रख सकते हैं। दही से निकलने वाले पानी को आप दाल या सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में श्रीखंड बना रहे हैं तो आप इस स्ट्रेनर को बोल के साथ बाहर रख सकते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से दही खट्टा नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में इस बोल को फ्रिज में ही रखें। लगभग 6 से 7 घंटे में आपका हंकर तैयार हो जाएगा। अच्छे श्रीखंड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दही में से पानी पूरी तरह से अलग हो जाए। लगभग 6 घंटे बाद हमारा दही कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है और अब ये श्रीखंड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम इस हंग कर्ड को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। बड़ा बोल इसलिए लेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो सकें। और अब क्योंकि हम मैंगो श्रीखंड बनाने जा रहे हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बोल मैंगो प्यूरी। आम को मिक्सी में अच्छे से पीस लें और पीसने के बाद एक स्ट्रेनर से छान लें ताकि इसमें कोई भी रेशा ना बचे, ताकि आम का फाइबर हमारे श्रीखंड के टेक्सचर को ख़राब ना करे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ थ्रेड्स केसर के। मैंने 1 चम्मच दूध में पहले से केसर के थ्रेड्स को भिगो के रखा था। भिगो के रखने की वजह से केसर अपना जो कलर है वो पूरी तरह से दूध में रिलीज़ कर देता है, जिस वजह से हमारे श्रीखंड का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप चाहें तो थोड़ा सा खाने वाला कलर ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं, बट हाँ उस केस में आपके श्रीखंड में केसर की स्मेल नहीं आएगी। अब आप दही में 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करें। आप चीनी की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और साथ ही हम इसमें थोड़े से कटे हुए काजू, पिस्ते, बादाम, जो भी आपका मेवा खाने का मन हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आज इसमें थोड़े से कतरे हुए बादाम ऐड करूंगी।
अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से विस्क करेंगे। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर को 2 या 3 बार स्ट्रेनर से निकाल लें, उससे भी हमारा श्रीखंड एकदम स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेनर का यूज़ कर रहे हैं तो ये याद रखें कि जब आप स्ट्रेनर से निकालें उसके बाद ही इसमें मेवा ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच पिसी हुई इलायची। इलायची का टेस्ट श्रीखंड में बहुत ही सूदिंग लगता है। इसको तब तक विस्क करते रहें जब तक कि इसके सारे लम्स ना निकल जाएं और ये एकदम स्मूथ मिक्सचर तैयार ना हो जाए। आपको इस मिक्सचर को विस्क करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, लेकिन स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने में आपको 3 से 4 बर्तन एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़ते हैं। और मैं अपनी रेसिपीज़ को ज़्यादातर सिंपल रखना चाहती हूँ सो दैट आप इजीली उन्हें बना सकें। अब जब हमारा मिक्सचर अच्छे से विस्क हो गया है तो हम इसमें अब कटी हुई मेवा ऐड करेंगे। मैं यहाँ बादाम ऐड कर रही हूँ। थोड़े से बादाम मैंने अलग रखे हैं जिनसे हम बाद में अपने श्रीखंड को डेकोरेट करेंगे। किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। मेवा डालने के बाद अच्छे से मिक्सचर को 1 या 2 मिनट के लिए और विस्क करें ताकि हमारी मेवा पूरी तरह से इवनली पूरे मिक्सचर में फैल जाए। और ये देखिए हमारा श्रीखंड तैयार है। अब हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि श्रीखंड का टेस्ट जब ये ठंडा होता है तब सबसे अच्छा होता है। ठंडा होने के बाद आप इसे कांच की बोल में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ट्रेडिशनल मिट्टी के सकोरे में इसे सर्व करूँगी। अगर आपके घर में कोई गेट टुगेदर है तो आप श्रीखंड को पहले से मिट्टी के सकोरों में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब हम बचे हुए मेवा से इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 या 2 धागे केसर के। अगर आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क लगा के भी इसे सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा श्रीखंड तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपीज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बनाएंगे होममेड बाउंटी बार्स। ये बार्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस रेसिपी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और साथ ही इसे बनाने के लिए केवल हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना किसी देर के आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले एक बड़े से मिक्सिंग बोल में मैं डालूंगी कोकोनट पाउडर को। यहाँ मैं ले रही हूँ 200 ग्राम कोकोनट पाउडर। काफ़ी सारे लोग इसे गोले का बुरादा भी बोलते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ml कंडेंस्ड मिल्क। मैंने यहाँ पर नेस्ले का कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इस मिक्सचर में रेजिन्स या नट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल बाउंटी बार्स में कोई भी नट या रेजिन यूज़ नहीं होता है, उसमें केवल कोकोनट पाउडर होता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल उसी की तरह बार्स बनाने जा रही हूँ। एंड फाइनली हमारा मिक्सचर तैयार है। अब मैं इसे छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करूँगी। अभी मैं अपने बार के साइज़ के हिसाब से इसको रफली डिवाइड कर रही हूँ। इसके लिए मैं छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर एक प्लेट में रख दूंगी। इसको इस तरह से रखने का फ़ायदा ये है कि हमारे जो बार्स हैं वो इक्वल साइज़ के बनेंगे। और साथ ही इस मिक्सचर को पोर्शंस में डिवाइड करते वक्त हमारे हाथ थोड़े मैसी हो रहे हैं, और जब हम अपनी बार्स को स्मूथ करेंगे तब हम हाथ धोकर अपने बार्स को स्मूथ कर पाएंगे। इस मिक्सचर का जितना पोर्शन मैं ले रही हूँ उसमें अराउंड 12 बार्स बनके तैयार होंगी। सो अगर आप पोर्शन साइज़ थोड़ा कम रखते हैं तो आपके 15 बार्स भी बन सकते हैं। सो फाइनली मैं अपने मिक्सचर को पोर्शंस में डिवाइड कर चुकी हूँ। इस मिक्सचर को पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद हम अच्छे से हाथों को धो लेंगे। हाथों को धोने के बाद में मैं इन पोर्शंस को प्रॉपर बार की शेप दूंगी। बार की शेप देने के बाद में इसे किसी प्लेट या ट्रे में रखें। मैं अपने बार्स तैयार करने के बाद प्लेट में रख रही हूँ और इसी प्लेट को मैं फिर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। सो आप जो भी बर्तन चुनें वो अपने फ्रीज़र साइज़ के अकॉर्डिंग ही चुनें।
आप देख सकते हैं मैंने इस समय अपनी बार को रेक्टेंगल शेप दे दी है। इसके एजेस मैंने चारों तरफ से अच्छे से स्मूथ कर लिए हैं। इसके एजेस स्मूथ करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसे चॉकलेट में डिप करेंगे तो हमारी बार एकदम मार्केट के जैसी ही लगेगी। आप चाहें तो छोटे साइज के बार्स भी बना सकते हैं। एक एक करके मैं सारे बार्स अपने तैयार करके रख लूँगी। फेस्टिवल्स के दौरान आप मिठाई की जगह इन चॉकलेट बार्स को भी गिफ्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों के बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट में इन बार्स को दे सकते हैं। बस आपको इन बार्स को छोटी छोटी बास्केट्स में रखना है और बास्केट को आप ट्रांसपेरेंट सेलोफिन शीट से कवर कर दें, रिबन बांध दें और देखिए आपका परफेक्ट रिटर्न गिफ्ट तैयार है। और ये देखिए मेरे बार्स बनके तैयार हैं। अब मैं इस प्लेट को 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि हमारे बार्स अच्छे से सेट हो जाएं। और जब तक हमारे बार्स फ्रीज़र में सेट हो रहे हैं तब तक हम इसकी कोटिंग के लिए चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। चॉकलेट कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है। ये कंपाउंड मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। चॉकलेट कंपाउंड का जो ये पूरा ब्रिक है वो 500 ग्राम्स का है। मैं यहाँ पर इसके दो पोर्शंस लूँगी, यानी लगभग मैंने 250 ग्राम्स चॉकलेट यूज़ किया है। अब इन चॉकलेट बार्स को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी ताकि जब मैं इसे मेल्ट करूँ तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएं। इस काम को थोड़ा केयरफुली करें और ध्यान रखें कि नाइफ से आपका हाथ ना कट जाए। आप डार्क कंपाउंड की जगह चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से अपने चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स मेल्ट इट। डबल बॉयलर के लिए आप एक पैन में एक कप पानी डालें और उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रख दें। और इस पर हमें अपना चॉकलेट से भरा हुआ बोल रखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सजेशन देना चाहती हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा बड़े बोल में भी इस चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे बोल का ही यूज़ किया है क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा बोल लेते हैं तो हमें ज़्यादा चॉकलेट मेल्ट करनी पड़ेगी और जितने बार्स मैं बना रही हूँ उसके लिए इतनी चॉकलेट की क्वांटिटी सफिशिएंट है। अब मान लीजिए आप चॉकलेट की इतनी ही क्वांटिटी को एक बड़े बोल में मेल्ट करें तो जब हम अपने बार्स को इसमें डिप करेंगे तो वो प्रॉपर डिप नहीं होंगे। बीच बीच में चॉकलेट को स्टर करते रहें और ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है वो नीचे से थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। इस स्टेप को थोड़े ध्यान से करें और 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी चॉकलेट इस स्टेज पर आ जाएगी। एंड फाइनली हमारी चॉकलेट तैयार है। अब लगभग 20 मिनट बीत चुके हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे बार्स तैयार हैं या नहीं। ये देखिए हमारे बार्स एकदम तैयार हैं, एकदम फर्म शेप ले चुके हैं। अब हम इन बार्स को एक एक करके चॉकलेट में डिप करेंगे। चॉकलेट में डिप करने से पहले एक ट्रे में बटर पेपर को बिछा लें क्योंकि चॉकलेट में डिप करने के बाद हम अपने बार्स को इस बटर पेपर पर ही रखेंगे। बार्स को अच्छे से डिप करने के लिए हम दो फोक की हेल्प से इसे घुमाएंगे और इस तरह से निकालेंगे। थोड़ी देर इसे बोल के ऊपर ही रखकर इसे ड्रिप होने दें जिससे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो बोल में आ जाएगी। ये देखिए बार में से एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप हो गई है और अब मैं इसे बटर पेपर पर रख दूंगी। और इसी तरह से हमें एक एक करके अपनी सारी बार्स को चॉकलेट में डिप करना है और फिर इसे बटर पेपर पर रखना है। ये बार्स खाने में जितनी अच्छी लगती हैं इनको बनाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी इसको बनाओ तो जो चॉकलेट की टेम्पटिंग खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम चॉकलेट को एक छोटे बोल में इसलिए मेल्ट कर रहे हैं जिससे हमारी चॉकलेट वेस्ट ना हो। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे बार्स हैं वो इसमें ईजीली डिप हो रहे हैं। इन बार्स की प्रॉपर शेप बनी रहे इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंडेंस्ड मिल्क और कोकोनट पाउडर का रेशियो सही रखें। इसका रेशियो आप उतना ही रखें जितना कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और ये देखिए हमारी लास्ट बार भी तैयार है। और ये देखिए हमारी बार्स अभी से ही कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं। अब मैं इस ट्रे को लगभग 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी या फिर आप चाहें तो लगभग 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं।
और ये देखिए मेरी बार्स बनके रेडी हैं। इनका शेप भी एकदम परफेक्ट है और इनकी फर्मनेस एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ में उठाया और ये टूटने लग गई। अगर आप इन्हें गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इन्हें बनाने के बाद फ्रिज में स्टोर करें, और अगर आप इन्हें सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसे बाहर भी रख सकती हैं। और एक बार को हम तोड़ के देखते हैं कि अंदर से वो कैसी लग रही है देखने में। और ये देखिए, इट इज़ लुकिंग सो टेम्प्टिंग। वैसे तो जो इस पे चॉकलेट की कोटिंग आई है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट खाना पसंद है तो आप इन बार्स को तैयार होने के बाद में एक बार फिर से चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। इससे इसकी चॉकलेट की लेयर थोड़ी थिक हो जाएगी। ये देखिए, इसे निकालने के बाद में दोबारा से बटर पेपर के ऊपर रखें और फिर इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। सो इसे सिंगल कोट करके खाइए या फिर डबल कोट करके खाइए, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप इस रेसिपी को एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज़ विद मी। और हाँ, आज की रेसिपी आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी। इस बर्फी को बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बर्फी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ये देखने में तो सुंदर है ही, और साथ ही टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग है। तो बिना किसी देर के आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। लेकिन रेसिपी से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी इजी, क्विक एंड यमी रेसिपीज बैक टू बैक। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 1/4 कप घी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप दूध। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो इसमें चीनी को बिना पीसे हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आगे का इंग्रेडिएंट डालने से पहले आपकी चीनी पूरी तरह से इसमें घुल जाए। और चीनी को इस तरह से घोलना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए आप अपने टाइम को बचाने के लिए आप इसमें पहले से ही पिसी हुई चीनी डालें। मैं यहाँ जितने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ उसमें लगभग 1/2 kg बर्फी बनके तैयार होगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2.5 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टर करते रहें, और ध्यान रखें कि इसमें कोई भी लंप्स ना बचें। इसे लगातार स्टर करते रहें और ध्यान रखें कि ये मिक्सचर आपके पैन में ना चिपके। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेस्ले का डेरी वाइटनर यूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारे मिक्सचर का टेक्सचर एकदम स्मूथ हो गया है। जब हमारा मिक्सचर इस तरह से स्मूथ दिखने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon इलायची पाउडर। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर को अच्छे से स्टर करें ताकि हमारा इलायची पाउडर सही से मिल सके। इलायची पाउडर मिलाने के बाद इस मिक्सचर में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर धीरे धीरे थिक होने लगा है। इस कंसिस्टेंसी के बाद हार्डली हमें इस मिक्सचर को 2 मिनट और स्टर करना है। बस इस मिक्सचर को लगातार स्टर करते रहें और ध्यान रखें कि आपके पैन की तली में ना चिपके। ये डेजर्ट रेसिपी इस लॉकडाउन के लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि इसे बनाने में एक तो वक्त कम लगता है और साथ ही हमें बहुत ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। लॉकडाउन हो या नॉर्मल लाइफ, इस तरह की इंस्टेंट रेसिपीज ऑल टाइम फेवरेट होती हैं। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर देखते ही देखते कितना थिक हो चुका है। इस मिक्सचर को हम तब तक स्टर करेंगे जब तक कि ये पैन के तले से अलग ना होने लगे। तैयार होने के बाद ये डो की तरह दिखाई देने लगेगा। आप इसे देखते रहिए और देखिए कि ये किस तरह से डो फॉर्म ले रहा है।
ये देखिए हमारा मिक्सचर परफेक्ट डो की शेप ले चुका है। इसके तैयार होने की पहचान ये है कि जब आप अपने स्पैटुला से इसे स्टर करेंगे तो ये पैन के तले को आसानी से छोड़ देगा, उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब हम इस मिक्सचर को अपनी बर्फी की शेप देंगे। इसके लिए मैंने पहले से एक ट्रे में ग्रीस्ड बटर पेपर को लगा कर रखा है। आप चाहें तो किसी थाली में इस बर्फी को सेट कर सकते हैं। बर्फी को सेट करने से पहले अपनी थाली को ग्रीस ज़रूर कर लें। अब मैं अपने हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसे टैप करूंगी। ये मिक्सचर इस समय बहुत गर्म है, आप चाहें तो किसी कटोरी की हेल्प से भी इसे टैप कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को किसी भी बर्तन में सेट करें, बस ये ध्यान रखें कि ये मिक्सचर इवनली स्प्रेड हो, यानी ऐसा ना हो कि ये मिक्सचर कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो, इससे हमारी बर्फ़ी देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब मैं एक स्पैटुला की हेल्प से इसके सरफेस को एकदम स्मूथ कर दूंगी। अब मेरा मिक्सचर अच्छे से सेट हो गया है और इसका सरफेस भी एकदम स्मूथ हो गया है। मैं अब इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता डालूंगी। आप चाहें तो अपने पसंद की किसी और मेवा को डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ते के ग्रीन कलर की वजह से हमारी बर्फ़ी देखने में अमेजिंग लगती है। अब मैं एक स्पैटुला की हेल्प से इस पिस्ते को हल्के हल्के प्रेस करूंगी ताकि ये पिस्ता बर्फ़ी के साथ सेट हो जाए। अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने में इस मिक्सचर को लगभग आधा घंटा लगेगा। जब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसे बर्फ़ी की शेप में काटें। अब ये एकदम ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे बर्फ़ी की शेप में काटूंगी। आपकी जैसी इच्छा हो आप इसे स्क्वायर काट सकते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप में काट सकते हैं। आप इसे किसी भी शेप में काट के खाइए, लेकिन बिलीव मी इट विल टेस्ट सो अमेजिंग कि आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। और ये देखिए मेरी बर्फी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। गाइज, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। और बनाने के बाद अगर आपको ये बर्फ़ी खाने में भी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। आज की रेसिपी है मिल्क बादाम। आज की रेसिपी को अगर आपने बनाया तो आई एम श्योर कि आप कभी भी मार्केट से मिल्क बादाम नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये समर्स में बहुत अच्छी लगती है और साथ ही ये विंटर्स के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इसे गर्मियों में ले रहे हैं तो इसे फ्रिज में ठंडा करके लीजिए, वहीं सर्दियों में इसे आप गर्मा गर्म पी सकते हैं। इसे बनाने में हमें लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 लीटर दूध डालेंगे। 1 लीटर दूध की क्वांटिटी लगभग 5 लोगों को सर्व करेगी। आप अपने कंज्यूमशन के हिसाब से इसकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इस रेसिपी में हम धीरे धीरे अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, लेकिन हमें दूध को लगातार स्टर करते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम को। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू। कीप स्टरिंग। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ता को। पिस्ते की वजह से हमारे मिल्क बादाम को बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलेगा। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अच्छे से स्टर करते रहें जिससे इसमें कोई भी लंप ना बचे। लगातार स्टर करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि दूध पैन की तली में ना चिपके, वरना हमारे मिल्क बादाम का टेस्ट खराब भी हो सकता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी केसर। केसर को मैंने पहले से ही दूध में भिगो कर रखा हुआ था। पहले से भिगो के रखने की वजह से केसर ने अपना कलर अच्छे से रिलीज कर दिया है। केसर की वजह से हमारे मिल्क बादाम का कलर और टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा।
अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को मैंने पहले से ही 2 चम्मच पानी में घोल लिया था और फिर इसके बाद इस दूध में ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, हालांकि मैं इस समय इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं कर रही हूं। अब मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूं। किसी भी आर्टिफिशियल कलर को यूज़ करने से बेहतर है कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें। आप इस समय इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, हालांकि मैंने इस समय इसमें शुगर ऐड नहीं की है क्योंकि मेरे घर में एक फैमिली मेम्बर डायबिटिक है और मैं उनका एक पोर्शन अलग करने के बाद ही इसमें शुगर ऐड करूँगी। हमारा मिल्क बादाम ऑलमोस्ट रेडी है। हमें दूध को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था, इस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी स्लाइट थिक हो जाएगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि अगर आप इसे गर्म पीते हैं तब तो इसकी कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट यही रहेगी, लेकिन अगर आप इसे ठंडा करके पीते हैं तो ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठंडा या गर्म जैसे आपकी इच्छा हो आप पीजिए और पिलाइए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हे गाइस, आज हम बनाएंगे मसाला झटपट पनीर। जी हाँ, अपने नाम की तरह ये मसालेदार भी है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। और इस पनीर की खास बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। आज की रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी सब्जी भी देखने में बिल्कुल ऐसी ही बनके आएगी। आइए अब देखते हैं कि हमें इस सब्जी को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम 1/2 किलो प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। आपके प्याज के स्लाइसेस एक समान कटे हुए हों, हमें अपने स्लाइसेस को ना ही बहुत पतला काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली, अगर इस सब्जी में सबसे ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग स्टेप है तो वो सिर्फ ये प्याज काटना है। इस प्याज को हमें प्रेशर कुक करना है। गैस पर प्रेशर कुकर रखें और उसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड करें। अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम कुकर में अपनी स्लाइस की हुई प्याज को डाल देंगे। प्याज और मसाले को अच्छे से स्टर करें। 1 से 2 मिनट तक स्टर करने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इस सब्जी में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कसूरी मेथी के पत्ते अच्छे नहीं लगते हैं तो आप कसूरी मेथी का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी को किसी भी हाल में स्किप ना करें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर करें। इस प्याज को प्रेशर कुक करते वक्त हम इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। नमक ऐड करने की वजह से प्याज खुद ब खुद पानी रिलीज़ करेगी। कुकर को बंद कर दें और गैस को एकदम सिम पर रखें। एक विसिल आने के बाद हमें गैस बंद कर देना है और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए तब हम कुकर खोलेंगे। कुकर खुलने के बाद हमारी सब्जी को बनने में मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 मिनट और लगेंगे। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालें। आप किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड करें 1 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से हमारी सब्जी को बहुत सुंदर कलर मिलेगा। साथ ही इसमें ऐड करें बारीक कटी हुई 1 चम्मच लहसुन। सारे मसालों को अच्छे से स्टर करें। अब हम इसमें अपनी प्रेशर कुक्ड प्याज ऐड करेंगे। अब हमें प्याज को लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब हम फिर से इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अच्छे से स्टर करें और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई। आप चाहें तो मलाई की जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीम के मुकाबले मलाई का टेस्ट इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। साथ ही मलाई हम सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होती है। 3 से 4 मिनट तक अपने मसाले को अच्छे से स्टर करें ताकि हमारी मलाई और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएं।
2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। आप पनीर को किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसमें 200 ग्राम के करीब पनीर डाल रही हूँ। पनीर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करें। 1 मिनट के लिए अपने पैन को ढक दें। ये देखिए हमारा पनीर अभी से कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें आधी बोल ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। धनिया ऐड करने के बाद हमें इस सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इससे हमारे धनिए का कलर ख़राब हो जाएगा और इसका सीधा असर हमारी सब्जी की रंगत पर आएगा। अब हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी सुंदर लग रही है। अपनी फैमिली को खिलाइए मसाला झटपट पनीर। अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे गाइस, आज हम बनाएंगे चूर चूर नान। इसे आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अपने लंच में अपने डिनर में आप चूर चूर नान बनाइए और आपको एकदम रेस्टोरेंट वाले खाने का फील आएगा। ये नान खाने में बहुत ही खस्ता होती है, तो बिना किसी देर के आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। चूर चूर नान बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 बड़ा बोल आटा। और जिस बोल के नाप का हमने आटा लिया था उसी के 3/4 हमें मैदा चाहिए। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच दही। दो चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 3 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, बट देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इस मिक्सचर का डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आटे को इस तरह से कस के बांध के देखेंगे और अगर हमारा आटा इस तरह से बांध के आ रहा है तो इसका मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इस डो को हमें ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। ये देखिए हमारा डो तैयार है। ये ना हमने ज़्यादा सॉफ्ट रखा है और ना ही ज़्यादा हार्ड रखा है। अब इस पर हम थोड़ा सा घी लगाकर रखेंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जब तक हमने अपने आटे को रेस्ट पर रखा हुआ है तब तक हम अपने नान की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 बोल कसा हुआ आलू। इसमें डालेंगे 1 बोल कसा हुआ पनीर, 1 बोल कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने अच्छे से बारीक काट के रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया। अगर आपके पास में मोटा कुटा हुआ धनिया नहीं है तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी नान बनाने वाले हों ठीक उससे पहले ही इस मिक्सचर में नमक ऐड करें, अदरवाइज़ प्याज जो है नमक की वजह से पानी छोड़ सकती है और आपका स्टफिंग मटेरियल थोड़ा लूज़ हो सकता है, जिस वजह से हमारी नान बनाते समय फट सकती है। अब क्योंकि मैं तुरंत ही अपनी नान बनाने जा रही हूँ इसलिए नमक अभी ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करें। मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना पहले भूल गई थी, अभी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ।
हमारी नान के लिए स्टफिंग मटेरियल तैयार है। अपने डो को मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। अपने डो पर घी या रिफाइंड ऑयल लगाएं और इसे अच्छे से बेल लें। बेलते समय इसकी शेप की चिंता ना करें, क्योंकि हमें इस अपनी बड़ी सी रोटी को रोल करना है। हर तरफ से अपने आटे को समान ही बेलें। ऐसा ना करें कि कहीं पतला है और कहीं मोटा हो। और ये देखिए, हमारा डो एक बड़ी सी रोटी बनके तैयार हो गया है। आप इस डो को रोल करने का प्रोसेस पहले भी करके रख सकते हैं, यानी अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप पहले से भी इसकी लोई बना के तैयार कर सकते हैं। अपने बेले हुए आटे पर अच्छे से घी लगाएं। घी हमें ज़्यादा ही लगाना है, नहीं तो हमारी नान की लेयर्स अलग नहीं होंगी और साथ ही वो इतनी खस्ता भी नहीं बनेगी। घी लगाने के बाद में हम इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। मैदे की वजह से इसकी लेयर्स अलग अलग रहेंगी। अब हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। इसको ना ही हमें बहुत ज़्यादा टाइट रोल करना है और ना ही बहुत लूज। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद में इसके किनारों को अच्छे से सील कर दें। अब हम इसको 4 बराबर पोर्शंस में बांटेंगे। और इस तरह से हमें अपनी लोई को अंदर दबाते हुए इसके किनारों को अंदर की तरफ मोड़ना है और इसे एक कटोरी की शेप देनी है। हमें कैविटी तैयार करनी है और इसी कैविटी में हमें अपनी स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग को अच्छे से दबा के भरें। जब हम स्टफिंग को अच्छे से दबा के भरेंगे तब इसमें एक्स्ट्रा एयर नहीं रहेगी और हमारी नान बेलते वक्त फटेगी नहीं। वैसे तो चूर चूर नान का आटा हमारे हाथों में चिपकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। नान को बेलते वक्त हमें घी ही यूज़ करना है, ना हमें आटा यूज़ करना है और ना ही मैदा। और इस तरह से हम अपनी सारी लोई इकट्ठी बना के रख लेंगे। अब हमारी नान बनने के लिए तैयार है। मैं इसे उंगलियों से ही बढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन बेलन के मुकाबले ये हाथ से ज़्यादा इजीली बनती है। स्प्रेड करने के इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरे धनिया की पत्तियाँ लगाएं और फिर इसे और फैलाना शुरू करें। हमें अपनी नान को ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगी। अब हम अपनी सारी नान बना के तैयार कर लेते हैं। हमारी सारी नान बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसे सेकेंगे। हमें इस नान पर एक तरफ पानी का हाथ लगाना है, जिससे ये अच्छे से तवे से चिपक जाए। गैस को हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हमें इस नान को नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी नान अंदर से कच्ची रह जाएगी। तवे पर इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक लगेंगे। एक तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हम इसे पलट देंगे। जब हमारी नान तवे पर अच्छे से सिक जाएगी तब हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे। फ्लेम पर सेकते वक्त भी हमें फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखना है। चिमटे से बराबर इसे पलटते रहें, नहीं तो ये एक जगह रखे रखे जल भी सकती है। नान के किनारे भी अच्छे से सेकें। और ये देखिए, हमारी चूर चूर नान तैयार है। इस पर हम बटर लगा के सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने से पहले इसे क्रश ज़रूर कर दें। इसको ध्यान से क्रश करें, क्योंकि ये इस समय बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस तरह से क्रश करने की वजह से ही इसका नाम चूर चूर नान है। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अपने फीडबैक मेरे साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, आज हम बनाएंगे बेड़मी पूरी। कुछ लोग इसे बेड़ई के नाम से भी जानते हैं। ये मथुरा आगरा की तरफ की खास डिश है। मथुरा आगरा की गली गली में आप लोगों को सुबह के नाश्ते में बेड़ई खाते हुए देख सकते हैं। बेड़मी पूरी खाने में बहुत टेस्टी होती है, लेकिन इसे खास बेड़मी आलू की सब्जी के साथ ही सर्व किया जाता है। बिना किसी देर के शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी और देखते हैं कि आखिर इन बेड़मी पूरी को हमें कैसे बनाना है। बेड़मी पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी स्टफिंग तैयार करनी है। इसकी स्टफिंग के लिए मैंने धुली हुई दाल को अच्छे से पोंछ लिया और उसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। इस दाल को ज़्यादा बारीक ना पीसें, दरदरा ही रखें। आप धुली हुई उड़द की दाल की जगह धुली मूंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज अपनी बेड़मी पूरी में सूखी पिसी हुई दाल के पाउडर से अपनी स्टफिंग तैयार करूँगी। अगर आप चाहें तो ताज़ी धुली हुई उड़द की दाल को भिगोकर भी अपनी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ एक बोल उड़द की दाल का पाउडर। इतनी दाल में हमारी 20 बेड़मी पूरी तैयार होंगी। आपको जितनी भी बेड़ई बनानी है आप उस हिसाब से अपने प्रोपोर्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग का टेस्ट बेड़ई में बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मोटी ताजी पिसी हुई सौंफ, क्योंकि सौंफ जितनी ताजी पिसी हुई होती है उसकी स्मेल उतनी ही अच्छी होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें। हमें नमक 2 तरह का यूज़ करना है। थोड़ा सा हमें सादा नमक डालना है और थोड़ा सा हमें काला नमक डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, क्योंकि जब हमारी उड़द की दाल फूलेगी तब भी ये मिक्सचर अच्छा खासा थिक हो जाएगा। अब हमारी स्टफिंग तैयार है और अब हम इस मिक्सचर को लगभग 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है हम अपने बेड़ई के आटे की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैदा। इन तीनों चीज़ों की मात्रा हमें बराबर रखनी है, तभी हमारी बेड़ई बहुत अच्छी बनेगी। इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला लें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी। साथ ही इसमें मोयन के लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। अगर आप चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर बेड़ई में बहुत अच्छा आता है। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हमें इसे ड्राई मिक्स करना है। अभी इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। आप अपने मिक्सचर का मोयन भी चेक कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी में इस आटे को कस के दबाएं। अगर ये इस तरह से सॉलिड फॉर्म में जम रहा है तो इसका मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। खस्ता बेड़ई के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बेड़ई के आटे में मोयन परफेक्ट हो। मोयन चेक करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। हमें अपना आटा ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, क्योंकि इस आटे में हमने सूजी डाली हुई है और सूजी भी कुछ देर बाद फूलेगी तो हमारा आटा अपने आप थोड़ा टाइट हो जाएगा। इस आटे को लगभग हम 1/2 घंटे के लिए ढक के रखेंगे। अब हमें 1/2 घंटे हो चुके हैं और हमारी बेड़मी पूरी का आटा तैयार हो गया है। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है और सूजी भी एकदम फूल गई है। और साथ ही अब हम देखते हैं अपनी स्टफिंग के लिए। ये जो हमारा स्टफिंग का मटेरियल है ये भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। सबसे पहले हम इस स्टफिंग के मटेरियल की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, जिसे हम अपनी पूरियों में भरेंगे। अपने दाल की स्टफिंग की बॉल्स बनाने से पहले अपने हाथों पे थोड़ा थोड़ा घी लगा लें या रिफाइंड लगा लें, ताकि ये स्टफिंग आपके हाथों में नहीं चिपके। इस तरह से हम अपनी स्टफिंग की छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेंगे। इन बॉल्स को बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम अपनी बेड़मी पूरी बनाएंगे तो वो फटाफट बनेंगे और हमारे हाथ उस समय दाल में नहीं चिपकेंगे। अब हम अपने आटे को भी थोड़ा सा रिफाइंड या थोड़ा सा घी लगा के स्मूथ कर लेंगे और फिर इससे बनाएंगे हम अपनी बेड़मी पूरी। हाथों पर थोड़ा घी लगा लें। इस पूरी को बेलते समय आप आटे का यूज़ ना करें और इस तरह से लोई बना लें।
एक बेलन से हम इसे बेलेंगे और अपने बेलन पे भी हम अच्छे से घी लगा लेंगे। मैं अपनी पूरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। पूरी को बेलते समय उसके किनारे थोड़े पतले रखने हैं, जबकि बीच में उतना ज़्यादा हमें उसे पतला नहीं करना है। अब हम इसमें एक बॉल रखेंगे, इसे अच्छे से चारों तरफ से बंद करेंगे। हल्के हाथ से हथेली से दबाएंगे ताकि इसके किनारे अच्छे से चिपक जाएं और हमारी दाल तलते समय बाहर ना आए। इसके किनारों पे हमें किसी भी तरह से पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हथेली से प्रेस करें। ये ध्यान रखें, जिस तरफ से हमने किनारे इसके चिपकाए हैं आपस में, उसी तरफ से आप इसे हथेली से दबाएं और उसी तरफ से इसे बेलना शुरू करें। जब भी आप कोई भी स्टफ़ पराठा या स्टफ़ पूरी बनाएं, तो हमेशा जिधर साइड से आपने इसे लॉक किया है उधर साइड से ही इसे बेलना शुरू करा करें। तरह से बेलने पर आपका पूरी या पराठा कभी भी नहीं फटेगा। और इस तरह से हमें एक एक करके अपनी सारी बेडमी पूरी बनाकर रखनी है। मैं अपनी पूरियों को बेल के तैयार कर रही हूँ और साथ ही मैंने गैस पर तलने के लिए तेल भी गर्म होने रख दिया है। और अब हमारी पूरी तलने के लिए तैयार है। बेड़े तलने से पहले अपने तेल का टेम्परेचर चेक कर लें। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा तेल में डालें। अगर आटा एकदम से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा तेल तैयार है। तेल में बेड़े डालने के बाद मैं अपनी गैस को सिम कर दूंगी ताकि हमारी पूरी एकदम से लाल ना पड़े। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप दो या तीन बेड़े पूरी एक साथ तल सकते हैं। पूरियों को दोनों तरफ से अच्छे से बराबर सेकें। जब मैं इन पूरियों को तल रही हूँ तो इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेडमी पूरी को बेडमी आलू के साथ खाया जाता है। बेडमी आलू की सब्जी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने दोनों चीज़ों की रेसिपी एक साथ इसलिए नहीं डाली क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। ये देखिए, हमारी बेडमी पूरी तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही स्वाद में भी अच्छी होती है। इन बेडमी पूरियों को गर्मा गर्म बेडमी आलू के साथ सर्व करें। एंड बिलीव मी, आपकी फैमिली इसे बार बार खाना चाहेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही आप जब इन रेसिपीज़ को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे देना ना भूलें। लॉकडाउन में अपने परिवार को खिलाएं गर्मा गर्म बेडमी पूरियों का नाश्ता। Hey guys, आज मैं आपको बताऊंगी बेड़े आलू की सब्जी की रेसिपी। वैसे तो इस सब्जी को हम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसे खासकर बेडमी पूरी के साथ खाया जाता है। बेडमी पूरी की रेसिपी का वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमें दो बड़े चम्मच देसी घी लेना है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ देसी घी ही यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, साथ ही इसमें ऐड करेंगे दो साबुत लाल मिर्च, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच पिसा हुआ अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से भूनें। जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे एक बोल पिसा हुआ टमाटर, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। हमें आलू के लिए जितना नमक चाहिए वो भी हम इसी समय टमाटर में ऐड कर देंगे। इस मसाले को लगभग 5 मिनट तक भूनें। जब हमारा मसाला लगभग आधा भुन जाएगा तब हम इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट बेडमी आलू में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसे स्किप ना करें। हैं तो अपनी सब्जी लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उससे भी इस सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। मसाले को पूरी तरह से घी छोड़ने में लगभग हमें 5 से 6 मिनट तक और लगेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है, इससे घी अलग होना शुरू हो चुका है।
अब हम इस भुने मसाले में ऐड करेंगे एक बड़ी बोल उबले हुए आलू। इन आलूओं को हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है। बेडमी आलू की सब्जी बनाते समय उसमें कटे हुए आलू ना डालें। हर हाल में आलूओं को हाथ से या फिर मैशर से मैश कर लें, उसके बाद ही अपने मसाले में डालें। अब इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी मटर के दाने। इस मसाले को हम लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। जब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनते हैं तो हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ी सी जल्दी की वजह से आलूओं को भूनने का स्टेप स्किप ना करें। आलू को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। शुरुआत में हम इसमें पानी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इस सब्जी में पानी डालने के बाद हमें इसे पकाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी की कंसिस्टेंसी शुरुआत में ऐसी दिखेगी। अब हमें इस सब्जी को लगभग 10 मिनट के लिए हल्की गैस पर पकाना है। सब्जी पकने के बाद में गाढ़ी पड़ जाएगी। जब हमारी सब्जी में उबाल आने लगे तब आप गैस हल्की कर दें और उसे ढक दें। अब आप देखिए, इस सब्जी को पकाते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस सब्जी में धनिया ऐड करेंगे। और ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म बेडमी आलू की सब्जी तैयार है। इसे बेडमी पूरी के साथ सर्व करें। बेडमी पूरी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की रेसिपी को ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। आज हम बनाएंगे प्याज कचौड़ी। ये डिश राजस्थानी क्यूजीन को बिलोंग करती है और आज की मेरी ये रेसिपी आपको ऑथेंटिक राजस्थानी प्याज कचौड़ी का ही टेस्ट देगी। और ऑथेंटिक राजस्थानी प्याज कचौड़ी बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें। लेकिन आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी ईजी क्विक एंड यमी रेसिपीज बैक टू बैक। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी प्याज कचौड़ी के डो को तैयार करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा, आधा कप सूजी, आधा कप देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। आप जब भी इस तरह की ट्रेडिशनल डिशेस बनाएं, आप मोयन के लिए देसी घी का ही यूज करें। इससे आपकी डिश का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। अब हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को अपनी हथेलियों से अच्छे से क्रश कर लें। इस तरह से क्रश करने की वजह से इसका अरोमा और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय हमें अपने डो में पानी ऐड नहीं करना है। अभी हमें केवल मैदा, सूजी, अजवाइन, नमक और घी को अच्छे से मिक्स करना है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल डिशेस में आप मोयन के लिए देसी घी का ही यूज़ करें, भले ही इनको तलते समय आप रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है। अब मैं थोड़े से मटेरियल को अपने हाथ में कस के दबा के देखूंगी। अगर आपका मटेरियल इस तरह की फर्म शेप ले रहा है, इसका मतलब आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर प्लेन वाटर ले रही हूँ, आप चाहें तो हल्का गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हमें एक सॉफ्ट डो में तैयार करना है। हमें अपने डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमारा डो हार्ड होगा तो स्टफिंग करते वक्त हमारी कचौड़ियों की फिलिंग उससे बाहर आ सकती है। हमारा डो तैयार है और डो तैयार होने के बाद देसी घी या फिर ऑयल आप इस डो के चारों तरफ लगा दें। अब हम अपने डो को आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट पर है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टफिंग के सूखे मसाले को तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, साथ ही इसमें डालूंगी 1 टीस्पून साबुत धनिया। अब इन तीनों मसालों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इस मसाले को आप तभी बनाएं जब आपको कचौड़ियाँ बनानी हैं। इस मसाले को आप पहले से बना के ना रखें, क्योंकि इससे हमारे मसाले का जो एरोमा है वो कम हो सकता है।
इसको रोस्ट करने में भी हमें हार्डली 2 या 3 मिनट लगते हैं। अब हम इस मसाले को दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना दरदरा रखा हुआ है। इस मसाले को बनाने के बाद अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालें। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग। साथ ही मैं इसी समय इसमें 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालूंगी। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे अपना पहले से तैयार किया हुआ मसाला, जो अभी हमने सौंफ, जीरा और धनिया पीस के तैयार किया था, वो वाला मसाला इसमें डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से स्टर करें। अब मेरे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज प्याज को काटा है। आप देख सकते हैं कि मैंने ना तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा काटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटा है। हमें प्याज कचौड़ी की स्टफिंग के लिए बहुत ज़्यादा मोटा प्याज नहीं काटना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक की वजह से हमारी जो प्याज है वो बहुत जल्दी भुन जाएगी। हालांकि प्याज को भूनने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपीज़ में जितना हो सकता है उतना कम घी का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे खाने, अच्छे स्वाद के साथ साथ अच्छी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब हम कम घी का इस्तेमाल करते हैं तो प्याज को भुनने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वक्त को बचाने के लिए अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमें इस प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए, यानी हमें प्याज को हल्का पारदर्शी होने तक भूनना है। अब हमारा प्याज ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करें। अच्छे से स्टर करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा तीखा या कम तीखा रख सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करें। क्या आपको पता है कि हरी मिर्च या लाल मिर्च हमारी बॉडी में थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट देती हैं, यानी इससे हमारी बॉडी की गर्मी बढ़ती है और हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। लेकिन ज़्यादा कैलोरीज बर्निंग के लालच में कहीं इतनी मिर्ची ना खा लें कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाए। एक्चुअली हमारे इंडियन स्पाइसेस की यही खासियत है कि वो स्वाद के साथ साथ सेहत भी देते हैं। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करूंगी। बेसन की वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम ड्राई हो जाएगा, क्योंकि प्याज में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है और इस मॉइस्चर की वजह से हमारी कचौड़ी सही से नहीं स्टफ़ हो पाएंगी। इसलिए अपने मसाले में हमें बेसन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। बेसन को अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बचें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर कितना ड्राई हो चुका है। जब हमारी प्याज और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू को। आलू को मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। आप इस स्टफिंग मटेरियल को पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट में ये कचौड़ियाँ बनानी हैं तो आप रात में इस मिक्सचर को बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नींबू का रस। अगर आप नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी को इस मिक्सचर में ज़रूर ज़रूर डालें, इस स्टेप को स्किप ना करें। अब मैं आलू के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करूंगी, क्योंकि प्याज के लिए नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें। हमारा मिक्सचर बनके तैयार है। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा होने तक के लिए रखेंगे। अपनी कचौड़ियों में हमें गर्म मिक्सचर को नहीं भरना है, नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ बनाते समय फट सकती हैं। फाइनली हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है और अब हम बिना किसी देर के अपनी कचौड़ियाँ तैयार करते हैं। आप चाहें तो इस मिक्सचर को कचौड़ियों में भरने से पहले टेस्ट कर लें, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि इसमें नमक ज़्यादा या कम तो नहीं है।
और ये देखिए अब हमारे डो को भी आधे घंटे हो चुका है और हमारा डो तैयार है। अपने डो को हमें थोड़ा सा स्मूथ करना है और ये देखिए हमारा डो एकदम सॉफ्ट है, हमें इसे हार्ड नहीं रखना है। अब हम अपने डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और अपनी कचौड़ियों के लिए छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैं छोटे छोटे बॉल्स ही बना रही हूँ। बॉल्स को भी अपने दोनों हथेलियों के बीच में घुमाते हुए स्मूथ कर लें। अब हम इसे बेलन की हेल्प से बेलेंगे। अपने बेलन पर बेलने से पहले थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें। इसे बेलते समय हमें किसी भी आटे या मैदा का यूज़ नहीं करना है। इसे हम लगभग पूरी के साइज़ का बेलेंगे। बेलते समय ये ध्यान रखें कि आपकी पूरी के जो किनारे हैं वो थोड़े पतले हों और बीच का पोर्शन थोड़ा थिक हो। अब हम इसके बीच में अपने स्टफिंग मटेरियल को रखेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग नहीं रखनी है, लेकिन ज़रूरत से कम भी स्टफिंग ना रखें, क्योंकि प्याज कचौड़ी में स्वाद इसकी स्टफिंग का ही है। अब हम चारों तरफ से इसके किनारों को उठाते हुए आपस में सील करेंगे। इसको अच्छे से सील करें ताकि ये तलते समय फटे नहीं। अपनी कचौड़ियों को बेलने के लिए अब बेलन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बेलन की वजह से इसकी स्टफिंग बाहर आ सकती है। आप हल्के हाथ से हथेली से इसे प्रेस करेंगे और ये बहुत आसानी से बड़े साइज़ की हो जाएगी। अपनी कचौड़ियों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। और इस तरह से हम एक एक करके अपनी सारी कचौड़ियों को बनाकर रख लेंगे। अब मैं एक तरफ अपनी कचौड़ियों को बना रही हूँ, वहीं दूसरी तरफ मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में घी डालकर गर्म होने रख दिया है। प्याज कचौड़ी को बनाते समय बस इसकी स्टफिंग का हमें ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखें कि इसके किनारे अच्छे से सील हों। प्याज कचौड़ी को आप अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं या फिर स्नैक्स के तरह से खा सकते हैं। क्योंकि ये एक डीप फ्राइड डिश है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे रात के खाने में ना खाएं, क्योंकि मुझे आपकी टेस्ट बड्स के साथ साथ आपकी सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर आप इन कचौड़ियों को डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको तवे पर भी थोड़े ज़्यादा घी के साथ सेक सकते हैं, बट दैट इज़ टोटली ऑप्शनल, क्योंकि ऑथेंटिक प्याज कचौड़ी को तला ही जाता है। अगर आपको कुकिंग के साथ साथ हेल्दी टिप्स को जानना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि आगे की वीडियोस में फिर मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप भी स्वाद के साथ साथ अपनी और आपके परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें। सो फाइनली हमारी कचौड़ी तलने के लिए रेडी हैं। कचौड़ियों को तेल में डालने से पहले ऑयल का टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लें। इसके लिए आप छोटे से आटे के टुकड़े को तेल में डालें। अगर वो एकदम से ऊपर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका तेल एकदम तैयार है। अब हम इसमें एक एक करके कचौड़ियों को डालेंगे। हमें अपनी कचौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। कचौड़ियों को दोनों तरफ से इवन सेकें। अब जब मैं इसे सेक रही हूँ तो इनमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। अभी मैंने इसमें तीन कचौड़ी डाली हैं, जब ये थोड़ी सी सिक जाएंगी तब मैं इसमें अपनी चौथी कचौड़ी भी डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें, क्योंकि अगर हम इसे बहुत तेज़ फ्लेम पर सेकेंगे तो हमारी कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। कचौड़ियों के परफेक्ट टेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हल्की आँच पर ही सेका जाए। और ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ लाइट गोल्डन ब्राउन दिख रही हैं। और जब कचौड़ियाँ इस तरह से दिखने लगें तो आप इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें। एंड इट्स टाइम फॉर सर्विंग आर गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ी। इन कचौड़ियों को गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप इसे हरे धनिए की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसे इमली की मीठी चटनी के साथ ही सर्व किया जाता है। तो हरी चटनी से खाइए या फिर इस मीठी चटनी से, लेकिन आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। छोले भटूरे हम सभी के ऑल टाइम फेवरेट फूड आइटम है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि उनके भटूरे फूलते नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनते हैं। लेकिन आज मैं अपने वीडियो के थ्रू आपके लिए लेकर आई हूँ भटूरों की फेल प्रूफ रेसिपी।
इसलिए आज के वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपके भटूरे गोल गोल फूले हुए बने तो प्लीज मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एंड आई एम श्योर आप डेफिनेटली इस रेसिपी को आगे शेयर जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल बिंज क्रेविंग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी यमी एंड इजी रेसिपीज बैक टू बैक। भटूरे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 300 ग्राम मैदा। एक बड़े से मिक्सिंग बोल में मैं इस मैदा को ट्रांसफर करूंगी। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी 50 ग्राम सूजी। साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून दही। 1 चम्मच दही गया मैदा के अंदर और अब गया दूसरा। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत सारे लोग भटूरों की मैदा बनाते वक्त उसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड करते हैं। सोडे की वजह से हमारी मैदा तो अच्छे से फूलती है, लेकिन उसकी वजह से हमारे भटूरे बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आई पर्सनली रिकमेंड कि आप भटूरों की मैदा बनाते वक्त इसमें सोडा ऐड ना करें। और ये देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। आप चाहें तो हल्का गुनगुना यानी ल्यूक वार्म वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्लेन वाटर ही यूज़ कर रही हूँ। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उस क्वांटिटी में लगभग 6 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। हमें इस डो को ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम रखना है। और आप देख सकते हैं हमारे भटूरों का डो तैयार है। अब मैं अपनी हथेली पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के इस डो के चारों तरफ लगाऊंगी। अगर आप गर्मियों में भटूरे बना रहे हैं तो इस डो को लगभग 3 घंटे का रेस्ट दें, और अगर आप सर्दियों में भटूरे बना रहे हैं तो आप इस डो को मिनिमम 5 से 6 घंटे का रेस्ट जरूर दें। ये देखिए, मेरे डो को अब 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे अपने हाथों से अच्छे से और थोड़ी देर तक मुलायम करूंगी। इसके लिए आप अपने चकले पर या फिर साफ प्लेटफॉर्म पर अच्छे से ऑयल लगा लें और इस डो को रख कर अपने हाथों से खूब अच्छे से इसे सॉफ्ट करने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर करें। इस प्रोसेस की वजह से आपके भटूरे एकदम सॉफ्ट बनेंगे और साथ ही एकदम गोल गोल फूले हुए बनेंगे। और ये देखिए, अब हमारा डो कितना स्मूथ हो गया है। अब मैं अपनी हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस डो को पोर्शंस में डिवाइड करूंगी। जब भी आप मैदा को पोर्शंस में डिवाइड करें तो उस इंडिविजुअल पोर्शन को भी स्मूथ कर लें। अच्छे भटूरे के लिए इसका ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, मैंने डो को ओवल शेप में कर लिया है। अब मैं इसे अपने हथेली के बीच में रखूंगी और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इसकी एक बॉल तैयार करूंगी। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी बॉल तैयार हो गई। जब आप इस तरह से भटूरे की लोई तैयार करते हैं तो आपके भटूरे तलते समय फटते नहीं हैं। आप चाहे भटूरे बनाएं या फिर पूरी या कचौड़ी बनाएं, अपनी लोई को इसी तरह से तैयार करें। इसकी वजह से हमारे भटूरे तो परफेक्ट लगते ही हैं और साथ ही इस तरह से लोई बनाना भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और इस तरह से एक एक करके मैं डो के बॉल्स बना के रख लूँगी। आप चाहें तो इन बॉल्स को काफ़ी देर पहले भी बना के रख सकते हैं। बस इन्हें बनाने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और साथ ही गीला मसलिन क्लॉथ इसके ऊपर ढक दें। और जब भी आपको भटूरे बनाने हो, आप इन बॉल्स से भटूरे बना सकते हैं। बॉल्स बनाने के बाद में अब बारी आती है इनको बेलने की। आप बेलने के लिए चकले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही इसको बेलूँगी। अगर आपको हाथ से भटूरे बनाने आते हैं तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उस तरह से भटूरे नहीं बना सकती, तो मैं यहाँ पर बेलन से ही अपने भटूरों को तैयार करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैं अपने भटूरों को बेल पा रही हूँ। इसमें एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जब मैं अपने भटूरों को बेल रही हूँ तो मेरे भटूरे श्रिंक नहीं कर रहे हैं। और परफेक्ट भटूरे की यही पहचान है कि जब आप इन्हें बेलें तो ये श्रिंक ना हो, और साथ ही जब इन्हें आप तलना शुरू करें तो इनका साइज एक्सपेंड हो,
ना कि कढ़ाई में डालने के बाद ये श्रिंक करें। अगर आप अकेले भटूरे बना रहे हैं तो आप इस तरह से भटूरे बेलने के बाद एक प्लेट में रख लें और फिर बारी बारी से उठाकर इन्हें तल लें। और इस तरह से अब मैं अपने सारे भटूरों को बेलकर एक के ऊपर एक रख लूँगी। मैंने सारे भटूरे बेलकर रख लिए हैं, अब बारी आती है इन्हें तलने की। तलने के लिए सबसे पहले आप ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। एक छोटे से आटे का टुकड़ा आप तेल के अंदर डालें, अगर वो तुरंत ऊपर की तरफ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका तेल एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पर है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना भटूरा। भटूरे को बहुत हल्के हाथ से प्रेस करें और जैसे ही ये इस तरह से फूले इसे टर्न कर दें। और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म भटूरा तैयार है। तो बनाना ये एकदम परफेक्ट भटूरा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फैमिली को खिलाइए गर्मा गर्म फूले हुए गोल गोल भटूरे। Hey guys, आज हम बनाएंगे मसाला चना। ये रेसिपी देखने में तो अमेजिंग लग ही रही है, साथ ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। मेरी रेसिपीज़ की खास बात यही है कि जो रेसिपी आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है और जब आप इन्हें अपने किचन में ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल वैसी ही दिखेंगी जैसी आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रही हैं। इसलिए आप मेरी रेसिपीज़ को बिना किसी डर के ट्राई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं लगभग 200 ग्राम काबुली चने। मैंने मीडियम साइज़ के काबुली चने यूज़ किए हैं। आप चाहें तो छोटे वाले चने यूज़ कर सकते हैं या फिर सबसे बड़ा वाला चना भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन चनों को अच्छे से धोकर रात भर पानी में सोक करेंगे। इसे सोक करते समय मैंने इसमें ना तो कोई नमक ऐड करा है और ना ही खाने वाला सोडा ऐड किया है। अगर आप चाहें तो भिगोते समय भी खाने वाला सोडा ऐड कर सकते हैं। हालांकि रात भर भीगने के बाद ये चने बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब इन चनों को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। चनों में हमें लगभग 1 इंच ऊपर तक, यानी चनों से हमारा जो पानी का लेवल है वो 1 इंच ऊपर होगा, उतना पानी डालना है। चनों में कलर के लिए आप टी बैग का यूज़ ना करें क्योंकि कई बार प्रेशर कुक होने की वजह से टी बैग्स फट जाते हैं। मैं 1 कप पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती को अच्छे से उबाल लूँगी जिससे हमारी चाय की पत्ती सारा कलर रिलीज़ कर देगी। इस पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे और यही पानी हम अपने चनों में प्रेशर कुक करते वक्त डाल देंगे। आप चाहें तो चाय की पत्ती की पोटली बनाकर भी अपने चनों में डाल सकते हैं, लेकिन टी बैग्स आप अवॉइड ही करें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेज पत्ते, 3 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 7 से 8 लौंग। मैंने जब इसमें नमक डाला था तब उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। आप इसमें अपनी स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें। अब हम इसे 3 से 4 विसल आने तक प्रेशर कुक करेंगे। जब तक हमारे चने प्रेशर कुक हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब मैं एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाल रही हूँ। आप घी की जगह कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी हींग। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बोल अनियन पेस्ट। इस पेस्ट को बनाने में मैंने लगभग 2 बड़े प्याज को यूज़ किया है। प्याज को अच्छे से सॉटे करें। साथ ही इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। नमक की वजह से हमारा प्याज जल्दी भुन जाएगा। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक हमारे प्याज से घी सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए प्याज से घी अलग होने लगा है। अब हम इसमें 1 बोल टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से स्टर करें। दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनें और तब तक भूनते रहें जब तक कि इससे घी सेपरेट ना हो जाए। हमारे प्याज और टमाटर के मसाले से घी अलग होने लगा है। बस हमें इसे अब 2 मिनट तक लगभग और भूनना है। मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट ऐड किया है। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स तक स्टर करने के बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे।
अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही इसमें 1.5 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर ऐड करना है। इन सब मसालों को अच्छे से स्टर करें और एक साथ भूनें। इस पॉइंट तक मेरा मसाला ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा घी नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपीज में जितना हो सकता है कम घी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अच्छे खाने के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अब मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। और अब मेरे चने भी तैयार हैं। मैंने चनों को स्ट्रेन कर लिया है, उसमें से पानी अलग कर लिया है, लेकिन चनों का पानी मैंने फेंका नहीं है, उसको मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके चनों में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पैन में अपने चनों को ट्रांसफ़र करेंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके अपने चनों का पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे चने देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और साथ ही इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमने जो उबले हुए चनों से पानी अलग किया था, अगर वो पानी खत्म हो जाए तो आप इसमें प्लेन वाटर भी ऐड कर सकते हैं। छोलों की कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा प्लेन वाटर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने चनों को 10 से 15 मिनट तक ढककर स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। इससे हमारा मसाला पूरी तरह से चनों में सीव कर जाएगा और 15 मिनट बाद हमारे चने कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। आप चाहें तो सर्व करने से पहले अपने चनों में बघार लगा सकते हैं। इसके लिए देसी घी में आप थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डालें और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। अच्छे से मिक्स करें और अपने बोल में सर्व करते वक्त डाल दें। इससे हमारे चनों का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और साथ ही ये बहुत ही सुंदर भी लगने लगेंगे। चनों के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के गार्निश करें। और ये देखिए, हमारे छोले एकदम तैयार हैं। आप इन छोलों को पूरी के साथ या फिर भटूरों के साथ खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, और ये है पनीर मेयो सैंडविच। अक्सर छोटे बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाना थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन अगर आप उन्हें ये सैंडविच बना के देंगे तो यकीन मानिए वो सभी सब्जियों को बहुत ही खुशी खुशी खाएंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और देखते हैं कि इस सैंडविच को हमें कैसे बनाना है। अपने सैंडविच के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने जितनी क्वांटिटी आपको बताई है उसमें लगभग 6 से 7 सैंडविचेस तैयार होंगे। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड बीटरूट यानी कसा हुआ चुकंदर। साथ ही इसमें ऐड करें 3 से 4 बड़े चम्मच फाइनली चॉप्ड अनियन। प्याज को आप बारीक ही काटें जिससे हमारी जो सैंडविच की स्टफिंग होगी वो अच्छे से बाइंड हो पाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 बड़े चम्मच ग्रेटेड पनीर। आप पनीर की जगह टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें 3 टेबलस्पून मेयोनीज। आप मेयोनीज की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें।
जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हमारा एक थिक मिक्सचर तैयार होगा। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेटेड कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। आप चाहें तो इस मिक्सचर को रात में बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और सुबह इसे ब्रेकफास्ट बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों के टिफ़िन के लिए भी परफेक्ट है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर इवनिंग टी के साथ स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं। और ये देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा मिक्सचर अब तैयार है। ये हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही और साथ ही देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब हम अपने सैंडविचेस तैयार करते हैं। इसके लिए हमें एक स्लाइस पर इस मिक्सचर की एक थिक लेयर लगानी है। मिक्सचर की लेयर हमें थिक ही रखनी है जिससे हमारे सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ इस सैंडविच के लिए ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई सी भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करें, क्योंकि ये एक हेल्दियर ऑप्शन है। ये देखिए, मैंने एक स्लाइस पर इस मिक्सचर को अच्छे से लगा दिया है। अब मैं दूसरे स्लाइस पर टोमेटो केचप लगाऊंगी। आप टोमेटो केचप की जगह चिली सॉस या फिर किसी और सॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सॉस की जगह ग्रीन चटनी को भी लगा सकते हैं। इस सैंडविच को खाते वक्त हमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने पहले से ही इस सैंडविच में सॉस लगा के रखी होती है। अब हम इस स्लाइस को अपने मिक्सचर वाले स्लाइस पर रख देंगे और ये देखिए, हमारा एक सैंडविच तैयार है। आप खाने के आधा घंटा पहले भी इन सैंडविचेस को बना के रख सकते हैं, जिससे टेबल पर सर्व करते हुए आप अपना काम स्मूथली कर पाएंगे। आप चाहें तो इन सैंडविचेस को रॉ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इन सैंडविचेस को थोड़े से बटर के साथ पैन पर सेक लूँगी। इन सैंडविचेस को सेकते वक्त हमें इन्हें प्रेस नहीं करना है, दोनों तरफ से इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन सेक लें। रॉ सैंडविचेस के मुकाबले ये सैंडविचेस सेक के खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, हमारा सैंडविच तैयार है। और इस तरह से हमें अपने बाकी के सैंडविचेस भी सेक लेने हैं। सैंडविचेस को बीच में से काट के सर्व करें। और ये देखिए, हमारा पनीर मेयो सैंडविच तैयार है। बीटरूट की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। लॉकडाउन में अपने परिवार को खिलाइए कुछ हेल्दी। इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू बोंडा। आलू बोंडा एक साउथ इंडियन डिश है और एक परफेक्ट स्नैक है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। आलू बोंडा खाने का मज़ा तभी है जब हमारा आलू का मसाला बहुत अच्छा बना हुआ हो। तो सबसे पहले हम अपने आलू के मसाले को बनाते हैं। एक पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें एक चुटकी हींग डालें। साथ ही इसमें ऐड करें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें ऐड करें आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करें आधा चम्मच अमचूर पाउडर। मसाले को अच्छे से भून लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पत्तियां करी पत्ते की। आलू बोंडे में करी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रा सी देर स्टर करें और फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। अब ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक बड़ा बोल उबले हुए आलू। मैंने आलूओं को काटा हुआ है, आप चाहें तो हाथ से भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी इनको मैशर से मैश ही करना है। और अब इसमें ऐड करें हरा धनिया। आलू काट के भूनने से हमारा जो सारा मसाला है वो आलूओं में अच्छे से लिपट जाता है, इसलिए हमारा जो आलू का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसकी कुछ तैयारी आप पहले से भी करके रख सकते हैं। ये देखिए, हमारे आलू भून के तैयार हैं। अब मैं इन आलू को अच्छे से मैश करूंगी।
हमें आलूओं को अच्छे से मैश करना है जिससे हमारा बोंडा एकदम सर्कुलर गोल बने और उसकी सरफेस एकदम स्मूथ हो। और ये देखिए हमारे आलू का मसाला कितना सुंदर लग रहा है। हमें नॉर्मल आलू बोंडा नहीं बनाना है, एक्चुअली इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है। मोल्ड की हेल्प से हमें ब्रेड स्लाइस को राउंड शेप में काटना है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप मेरी तरह किसी भी लिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से अपने ब्रेड स्लाइसेस को छोटे छोटे राउंड शेप में काट के रखना है। अब हम अपने सर्कुलर स्लाइसेस को हल्का हल्का सेकेंगे। एक पैन में थोड़ा सा बटर डालें। हमें अपनी ब्रेड को सुनहरा होने तक सेकना है। स्लाइसेस को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। स्लाइसेस को हमें सर्विंग के दौरान यूज़ करना है। इन स्लाइसेस को भी आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे स्लाइसेस सिकने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम अपने आलू बोंडे की तलने की तैयारी शुरू करते हैं। एक बोल में हमें एक कटोरी बेसन लेना है। इस बेसन में हमें डालनी है आधा चम्मच हल्दी। हल्दी की वजह से हमारे आलू बोंडे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। साथ ही इसमें ऐड करें चौथाई चम्मच अजवाइन। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ करी पत्ता। साथ ही इसमें ऐड करें 1 से 2 चम्मच ऑयल। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने बेसन का घोल बनाएंगे। बेसन का घोल बनाते समय ये ध्यान रखें कि पानी आप एक साथ ज़्यादा सारा ना मिलाएं। अपने बेसन की कंसिस्टेंसी ना हमें बहुत ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी रखनी है। बेसन को खूब अच्छे से हमें घोलना है जिससे उसमें कोई भी लम्स ना बचें। और ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहेगी। ये ना तो ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। अब हमें इस आलू के मसाले के छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें जिससे ये मसाला आपके हाथों में ना चिपके। और ये देखिए हमारी बॉल बनके तैयार है। अब हम इस बॉल को बेसन के बैटर में डिप करेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। आप अपने मसाले की इस तरह से बॉल बना के पहले से रख सकते हैं। जब आप इन्हें तलना शुरू करेंगे तो आप बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी इन्हें बना पाएंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो तभी इन्हें तलना शुरू करें। एक एक करके हम इस तरह से अपने सारे बॉल्स कढ़ाई में डालेंगे और उन्हें तल के तैयार करेंगे। इन्हें सिकने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। और अब हमारे आलू बोंडे ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये देखिए ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जो ब्रेड स्लाइसेस हमने पहले से सेक के रखे हुए थे हम इन आलू बोंडों को उनके ऊपर रखेंगे। इन आलू बोंडों को आप ग्रीन चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो रेड अनियन चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। रेड अनियन चटनी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बारीक कटे हरे धनिए या फिर बारीक कटे करी पत्ते से अपनी प्लेटर को गार्निश करें। आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। क्योंकि आज के वीडियो में हम बनाएंगे इटालियन डोसा। आइए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज की रेसिपी में सबसे पहले हमें डोसे का बैटर तैयार करना है। डोसे के बैटर के लिए हमें 2 कटोरी चावल को रात भर भिगो के रखना है। उसके साथ ही आप 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल को भी भिगोएं। दाल और चावल आपको दोनों अलग अलग भिगोने हैं। दाल भिगोते समय उसमें 1 चम्मच मेथी दाना भी ऐड कर दें। मेथी दाने की वजह से हमारे डोसे एकदम क्रिस्प बनेंगे। सुबह को हमें इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसना है। जब आप चावलों को जार में पीसें तो थोड़ी ज़्यादा देर तक मिक्सी को चलाएं, जिसकी वजह से हमारे चावलों में मौजूद स्टार्च उसको बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा चावल का बैटर एकदम रनी नहीं है। अगर ये एकदम पानी की तरह गिरेंगे तो जब आप डोसा बनाएंगे तो वो फटाफटा सा बनेगा या फिर उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए अच्छे डोसे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका चावल अच्छे से पिसा हुआ हो। अब हम अपनी दाल और मेथी दाने को पीसेंगे। दाल को हमें मामूली सा दरदरा रखना है। दाल को पीसने के बाद उसे चावल वाले बैटर में ही मिक्स कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला के
कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दें। गर्मियों में 5 से 6 घंटे इसके फर्मेंटेशन के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों में डोसा बना रहे हैं तो आपके बैटर को लगभग 8 घंटे भी फर्मेंटेशन में लग सकते हैं। फर्मेंटेशन से पहले हमें इस बैटर में नमक ऐड नहीं करना है। जब हमारा बैटर फर्मेंट हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है और ये बोल में ऊपर तक आ गया है। ये देखिए, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी को भी देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, साथ ही इस बैटर में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें कि कंसिस्टेंसी ना हमें बहुत ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी चाहिए। नाउ यू कैन सी कि हमारी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और आइए अब तैयार करते हैं हम अपनी स्टफिंग। स्टफिंग में हम जो भी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे वो फाइनली चॉप्ड होंगी। एक बोल में हम डालेंगे आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ ही ग्रेट करा हुआ पनीर। अब इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच पास्ता सीजनिंग। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन पास्ता सीजनिंग में भी अच्छा खासा सॉल्ट होता है, इसलिए मैंने अपनी सीजनिंग में कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं किया है। आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद भी इसे टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, हम अब अपना डोसा बनाएंगे। डोसे के लिए तवे को ज़्यादा गर्म ना करें। अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसे थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा कर लें और इस तरह से करछी की सहायता से आप गोल गोल डोसा बना सकते हैं। जब हमारा डोसा थोड़ा थोड़ा सिक जाए और ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर हम इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट करेंगे। मोज़ेरेला चीज़ इसके साथ सबसे अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको मोज़ेरेला चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप चीज़ क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, फिर हम इसके ऊपर अपनी रेड अनियन चटनी स्प्रेड करेंगे। अनियन चटनी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप रेड अनियन चटनी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपना तैयार करा हुआ मिक्सचर इसके ऊपर अच्छे से फैलाएंगे। ये देखिए, हमारा डोसा तो एकदम पिज्ज़ा की तरह दिख रहा है। जब तक आप इस मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे तब तक आपका डोसा भी नीचे से अच्छे से सिक जाएगा। अब अपने डोसे को लगभग 1.5 इंच मोटी स्ट्रिप्स में काट लें। क्योंकि हमारा डोसा अच्छे से सिक चुका है तो हम करछी की हेल्प से ही इसे काट सकते हैं। अपने डोसे को तवे से अलग कर लें। जब हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट बनता है तो हमारा डोसा आसानी से तवे से अलग होता है। अब इन कटी हुई स्ट्रिप्स को गोल गोल रोल कर लें। इस काम को थोड़े सावधानी से करें क्योंकि हमारा डोसा काफ़ी गर्म है। इस तरह से रोल बनाने के बाद में इसे प्लेट में रख के सर्व करें। ये डोसा खाने में तो बहुत टेस्टी लगता ही है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव भी है। आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। तो बिना किसी देर के आइए देखते हैं कि हमें रेड अनियन चटनी कैसे बनानी है। सबसे पहले एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डालें, उसमें 4 से 6 लाल मिर्च डालें, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ डालें। अब हम इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप्ड 1 बोल अनियन। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करें। साथ ही इसमें ऐड करें 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें 1 बोल कटा हुआ टमाटर डालेंगे। साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। नमक ऐड करने से हमारी सब्जियां जल्दी से कुक हो जाएंगी। 2 से 4 मिनट स्टर करने के बाद में इसमें लगभग 2 टेबल स्पून हमें टमाटो केचप ऐड करनी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हल्की गैस पर पकाएं। जब हमारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं तो इन्हें ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर में पीस लें। इस मिक्सचर को पीसने के बाद में एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अब हम इस चटनी के लिए बघार की तैयारी करेंगे। ये मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में मोटी वाली राई डाली है और साथ ही करी पत्ते डाले हैं और अब हम इस बघार को अपनी चटनी में डाल देंगे। ये चटनी देखने में जितनी सुंदर लगती है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। इस चटनी को आप किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं और साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ तो ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है।